तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका वीआर की फैमिली व्लॉग में। तो चलिए, दोपहर के बज गए हैं एक और देखिए यहाँ पे मैडम आज कुछ वैरायटी बनाने वाली है। तो चलते हैं किचन की तरफ और देखिए यहाँ पे एकदम लाइन में कैसे सजावट करके रख दिया है। स्प्रिंग अनियन है, फिर उसके मतलब कटे हुए दूसरे अनियन, यहाँ पे अपना सीक्रेट मसाला, यहाँ पे देखिए झींगा, मैं परसों भाव के धक्के पे गया था झींगा लाने को, और यहाँ पे टमाटर, और कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। अभी उसमें डाला जाएगा तेल और आज कुछ स्पेशल वैरायटी है, झींगा झींगा फ्राई कुछ अलग स्टाइल से बनाने वाले हो मैडम, बराबर ना? तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। तो देखिए बढ़िया सा, मतलब झींगा के लिए इतना ऑयल तो चाहिए ही क्योंकि झींगा फ्राई करने वाले है तो ऑयल की कंजूसी करनी ही नहीं है, समझा? और आज बहुत दिन के बाद नॉनवेज खाएंगे। हाँ, काफी टाइम के बाद, मतलब नॉनवेज नवरात्रि के बाद आज आई है इसलिए, बाकी तो इतना नॉनवेज का। हाँ, अभी नॉनवेज तो रहता ही नहीं है क्योंकि वेज ही बना खाते हैं। तो चलिए अभी गरम हो, हमें सब मसाला, देखिए मसाला का डब्बा, हमारे YouTube फैमिली मेंबर के रिक्वेस्ट पे हम लोग ने मसाले का डब्बा भी ले लिया है। तो देखिए प्यारी दुलारी हिंग का डब्बा तो पहले ही मतलब बाहर निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता है कि हिंग के साथ इतना क्या लगाव है। तो हिंग निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लीजिए ना हिंग। चलो मैं निकाल के दे देता हूँ उनको। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने हिंग निकाल के दे दी है और देखिए प्यारी दुलारी हिंग, ओहो तेल उड़ा। तो देखिए नॉन वेज में भी हिंग का तड़का, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारी मैडम की ख्याल ही कुछ अलग है। तो अभी है ना, हम लोग डालेंगे इसमें झींगा, ताकि झींगा थोड़े सॉटे हो जाए, मतलब हल्के फुल्के। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था मैडम कि वो जो अंकल थे ना, उनकी बोट आई थी संडे को ही और हम गए मंडे को। तो वो पिताजी को बोले, अरे आनंद भाई आप मंडे को आए, कल फोन करने का था ना। पिताजी ने तो ऐसा ही मतलब फोन किया था, पिताजी के फ्रेंड है, उन्होंने ऐसे ही फोन किया था और खास बचपन के फ्रेंड है। तो तू भी बहुत सारे कुछ लेके आए थे, इतना बड़ा क्रैब लाए थे, बहुत सारे मछली, शार्क फिश, ये वो बहुत सारा लेके आए थे। तो आज फिलहाल तो झींगा की बारी है। अभी इसमें हम डाल देंगे हल्दी, जल्दी जल्दी थोड़ी सी हल्दी। और ये भी झींगा, काफी सारा झींगा है, मतलब कम नहीं है पर स्मॉल है, पर सी फूड टेस्टी रहता है खाने के लिए। थोड़ा सा भी नमक डालेंगे फिश झींगा के लिए, झींगा मतलब जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और ऐसे भी 5 मिनट में तो झींगा मैडम सॉफ्ट हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि ये स्प्रिंग ओनियन है ना, ये जल्दी पक जाते हैं। हाँ, जो अपना दूसरा ओनियन रहता है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। स्प्रिंग ओनियन क्या है, फटाफट हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले ये झींगा को फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। तो अभी 1-2 मिनट है ना, उसको रखेंगे ऐसे ढक्कन लगा के, ढक्कन लगा तो स्टीम होगी, तो फटाफट हो जाएगा। हाँ, वाले और बहुत दिन, महीने, मुझे लगता है कि साल, जब भी हम लोग विलेज में थे ना गाँव में, तभी नॉनवेज का वीडियो था। 6 महीना हो गया, मतलब आपको अप्रैल की बात है ये, तो ये शायद अभी अक्टूबर चल रहा है। और आज घर पे बनेगा झींगा, छोटी साइज के, बड़ी साइज के रहने में अच्छा लगता है, झींगा मसाला। फ्रेंड्स, गांव में तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 1-1 फुट के झींगे खाए, 1-1 इतना बड़ा बड़ा झींगा खाए, इतना जाड़ा। वीडियो हमने डाले हैं। हाँ, वीडियो डाले, आप देख सकते हो वीडियो डाले हुए। और झींगा के साथ मैं बनाने वाली हूँ राइस, बन के रेडी है, देखिए वहाँ पे कुकर में रख दिया है राइस, और स्वीटूडी यहाँ पे सो रही है, और बना झींगा के साथ खाने वाले है बाजरे का आटे का रोटला। और ऐसे भी बाजरे का रोटला ठंडी के सीजन में ही होता है, पर बंबई में ठंडी का नामो निशान नहीं है भाई, अभी भी गर्मी है, अभी भी उतनी गर्मी है, बाहर जाओ तो शर्ट पूरा भीग जाता है पसीने से, मतलब मुंबई में गर्मी भूल जाओ। घर पे तो बहुत ही, ये खाना बनाते हैं ना तो एडजस्ट बंद करना पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट का आवाज फिर इसमें वीडियो में आता है, वीडियो में बहुत आता है। और ग्राउंड फ्लोर का घर है और कॉर्नर वाला घर है, मतलब हवा का कोई
आवन कंपनी नहीं है। तो चलिए अभी जिंगा पे वापस चलते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए झींगा मुड़ गया है, मतलब मुड़ गया मतलब समझा झींगा पकने को स्टार्ट हो गया है। तो बढ़िया खुशबू तो इतनी बढ़िया आई है। इसके अंदर हम डाल देंगे स्प्रिंग अनियन। ऐसे तो यूजुअली हम लोग वो नॉर्मल वाला कांदा लेते हैं, पर ये टाइम हम लोग ने स्प्रिंग अनियन लिया है, मतलब झींगा ये हमने ना हमारे मांगरोल बंदर में खाए थे। हाँ ये याद आया, ये हमारे चाचा ने ही बनाया था। हाँ। तो प्रेम जी काका ने हमने बनाए थे ना, मतलब खाए थे ना, तो फिर हमने सोचा चलिए आज वो ही बनाते हैं। और ये स्प्रिंग अनियन वाला टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो अभी इसके अंदर हम डाल देंगे सीक्रेट मसाला। हाँ तुरंत ही हमने मसाला डाल देना है, सीक्रेट मसाला, एक कटोरी भर के सीक्रेट मसाला, ताकि मसाला बिगड़ तो मजा ही नहीं है। इसमें पुदीना, कोथमीरी, एक बाउल भर के लहसुन, वो सब हम लोग पीस लेते हैं फ्रेंड्स, अदरक वगैरह सब कुछ, मिर्ची, जीरा, फिर ब्लैक पेपर, लवंग, लवंग मतलब पूरा स्पाइस, पूरा स्पाइस का भरा हुआ मसाला है, मतलब लवंग, मिर्च पाउडर, टच, सब कुछ ही है, मतलब ये हम पीस के रख देते हैं फ्रिज में, डीप फ्रिज में, फिर जब भी वेज में भी बनाना है तो वेज में भी यूज होता है, जब हम दम आलू वगैरह बनाते हैं, मसाला आलू वगैरह बनाते हैं, तो इसमें उसमें भी यूज होता है, और स्पेशली नॉन वेज में भी यूज होता है। टमाटर थोड़ी देर के बाद डालेंगे, टमाटर और ये, और ये स्प्रिंग अनियन, मतलब आज कुछ न्यू वेराइटी है, झींगा मसाला विद स्प्रिंग अनियन। अभी इसमें अभी प्रॉपर नमक डाल देते हैं, क्योंकि मसाला हमने डाल दिया ना लहसुन का। और अभी इसमें तेल में ही ये बनाने वाले हैं, इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे। नहीं नहीं, ये तेल में ही पूरा, मतलब उसका उसका झींगा भी तेल छोड़ेगा, क्योंकि झींगे में भी ऑयल आता है, तो पूरे तेल में ही पकने वाला है, और कांदा तो पानी छोड़ने वाला है, तो नो डाउट। देखिए कांदा तो गलने लग गया मैडम, फटाफट हो जाते, तो स्लो करके ढक्कन लगा के उसको पकने। तो चलिए फ्रेंड्स, तकरीबन 10 मिनट हो गई है और झींगे पे आहा, क्या क्या बात है, देखिए कितना सारा ऑयल छूटा है, मतलब वाह, और खुशबू। तो अभी टमाटर डाल देंगे और स्प्रिंग ऑनियन के बाजू। हाँ, क्योंकि ये तो मैडम ने जैसे बोला था कि ये तुरंत ही मतलब गल जाता है। हाँ, मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पतीला बहुत ही बड़ा लिया है मैडम ने हमारी, एकदम थोड़ा ही हो जाता है ना स्प्रिंग ऑनियन, पर अभी तो फिलहाल भर गया ना पूरा मैडम। हाँ, मिक्स करके फिर वापस डाल दो। तो देखिए बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास मिक्स हो गया है, थोड़ा अपन आगे आ जाते हैं, और क्या हरा भरा मतलब सब एकदम लग रहा है एकदम। जो अच्छी अच्छी मतलब जैसे खाने की चीजें वो तो खाता ही नहीं, उसको मतलब पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, सब वो ही खाने वाला है आजकल के बच्चे लोग। तो अभी वापस ढक्कन लगा के मतलब अभी जो ये ब्राउन है, एकदम सेकने देना है। हाँ, मतलब थोड़ा एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, मतलब कॉफी वाला कलर। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए बाजरे का आटा ले लिया है, क्योंकि बाजरे का रोटला बनने वाला है, तो उसमें डालेंगे नमक शमक और पानी और बाबू बिस्लरी। नॉन वेज के साथ है ना, मतलब अच्छा लगता है ना ये। हाँ, ये हमारी मैडम है, जिसको सर्वगुण संपन्न बोल लो तो भी कम है, सब कुछ आता है फ्रेंड्स। इसमें से शायद 3 रोटला बन जाएंगे।
टी नहीं बनेंगे? कोई वंदा नहीं, चावल तो बना जाओ है, राइस बना है ना। हाँ, क्योंकि रोटला बने तो कम से कम दो दो तो ऐसा मतलब खाना ही चाहिए, तभी ऐसा खा लेना, मैं एक खा लूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा करके डेढ़ डेढ़ खाएंगे क्योंकि रोटला बना हो और दो रोटला नहीं खावे तो मजा ही नहीं आवे। छोटे छोटे चार बना रहे। नहीं नहीं, तो छोटे छोटे मत बनाओ, आप जैसे बनाते हो ना आपके हिसाब से वैसे ही बनाओ। एक्चुअली बड़ा ये है ना, वो बड़ा लेने का। हाँ तो वो था ना अपने पास। अच्छी तरह से इसको है, जितना हाथों से ऐसे कर दे ना तो जितना मतलब मसलेंगे उतना मतलब उसमें और टेस्ट लगेगा, मीठा लगता है रोटला, स्वीट लगता है। बन जाएंगे चार? चलिए चलो, चार बन जाएंगे, खाने के लिए तो मतलब ये चलो देखो है ना, सुन ली मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं अच्छा लगता ना हमें। हाँ हम तो मतलब मीडियम साइज बना। हाँ छोर पतले, मैडम हमारी पतले बनाती है ना तो खाने में क्रिस्पी भी लगता है, मतलब ऐसे पतले पतले मस्त अच्छा नहीं लगता। तो जाड़े क्या है, जाड़े मेरे को अंदर से कच्चा लगता है। हाँ मतलब वो तो अच्छा ही रहता है पर मेरे को फील वैसा आता है, और आप जो पतले पतले बनाते हो ना तो हर एक बाइट उसका क्रिस्पीनेस लगता है। तो चलिए देखिए, आपने अपना देखिए जितना भी स्प्रिंग अनियन डाल दिया था सब गल के एकदम मस्त एकदम हो गया, सेट हो गया है पूरा। अभी भी टाइम लगेगा, 10-15 मिनट इसको पकने में लगेगा। हाँ मतलब रोटला बना देते हैं, अपने रोटला बन जाएंगे तब तक तो अपना ये सालन भी यहाँ पे जो है झींगा मसाला वो बन जाएगा। और जो खुशबू है फ्रेंड्स बयां नहीं कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए तवा निकल गया है, ये तवा तो एकदम भारी है भाई, किसी को सर पे मार दे तो आदमी उठेगा नहीं उठ जाएगा, वैसा है सनी देओल का डायलॉग। जब ये 2.5 किलो का तवा किस पे मार दो वो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अभी आप रोटला बनाते हो वो देखिए कैसे बनाते हैं। बाजरा का आटा लेना पड़ेगा, खत्म हो गया। मुझे ऐसे कम आता है, ऐसे हाथ से थबक 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 आता है, पर ये जल्दी हो जाता है मेरे से ये वाले। कभी कभी मैडम ज्वार का भी बनाओ ना रोटला, वो भी टेस्टी लगता है खाने में, ज्वार का आटा। तो थोड़ा रोटले पे कॉन्सेंट्रेट, देखिए थप्पड़ मार मार के रोटला बहुत ही बढ़िया। तो ऑलमोस्ट अपना ये रोटला हो गया, यही साइज अच्छा लगता है ना। हाँ तो और थिकनेस देख ले, यही थिकनेस है ताकि बहुत एकदम प्यारा क्रिस्पी लगे रोटला, एकदम उसका हर एक बाइट क्रिस्पी लगे। तभी तभी हो गई है गरम, डाल देंगे और थोड़ा सा पानी। मैडम एक बात पूछो आपको, ये पानी डालने का मतलब क्या है? ये आटा है ना, लगा है ना ऊपर सूखा। हाँ हाँ, इसलिए ओके। वो हाथ से बनाते हैं ना उसमें नहीं आटा लगता ना, वो ऐसे बराबर। नहीं मैंने काफी मतलब मैं 2-3 वीडियो एक बार देखा ना तो वो लोग भी मतलब ऐसे आपके जैसे ही मतलब उन्होंने बनाया था और ऊपर पानी लगाया था। मैं बोला कुछ रहेगा, कुछ सीक्रेट रहेगा कुछ पानी लगाने का? सूखा आटा रहता है ना। हाँ मतलब वो ऊपर सूखा आटा लगने ही लगे, इक्वल फॉर्म हो जाए बराबर। देखिए सीटूडी मैडम का भी खाना पीना हो गया, एकदम मस्त खाना पीना खाया, थोड़ा 10-15 मिनट घूमी और वापस गुड नाइट, गुड आफ्टरनून मतलब गुड नाइट हो गया सीटूडी मैडम का। तो चलिए, हाँ देखिए एक साइड मतलब करारी हो गई है। हाँ तो देखिए अपना ग्रेवी देखिए, और कलर भी डार्क हो गया है ना मैडम। तो थोड़ा आप झींगा को देख लीजिए ना, पक गया है कि नहीं। नहीं थोड़ा और मतलब और एक 5-10 मिनट, मतलब ये दो रोटला हो जाएगा तब तक तो अपना झींगा भी अपना रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर से ढक्कन लगा दिया गया। तो दोस्तों फाइनली अपना सब देखिए रेडी हो गया है यहाँ पे। आ हा 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 क्या खुशबू, खुशबू अभी रहा नहीं जाता है मैडम, जल्दी से प्लेट में निकालिए और खा लेते हैं। और रोटले भी वहाँ पे देखिए टमटमाते हुए बन गए हैं। तो यहाँ पे
थोड़ा सा निकाल देते हैं और ये वाले ग्रेवी बनाते हैं। ओके, ये ड्राई रखते हैं और ये ग्रेवी। तो वाह क्या बात है, डबल ऑप्शन है, क्योंकि राइस बना है ना, राइस के साथ थोड़ा ग्रेवी वाला अच्छा, हाँ, अच्छा लगेगा। तो बहुत ग्रेवी नहीं, मीडियम ग्रेवी, मीडियम ग्रेवी, सेमी ग्रेवी। तो देखिए ये सेमी ग्रेवी अभी थोड़ा बॉइल होगा, देखिए एकदम ठीक है, मतलब एकदम भी पतला नहीं है, ठीक ग्रेवी है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाँ क्योंकि पानी डाला है ना आधा ग्लास, इसलिए नमक थोड़ा, पिंच सॉल्ट। तभी इसमें बॉईल आ जाए, फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना लंच यहाँ पे देखिए हो गया है रेडी। ये है राइस, ये ड्राई, ये ग्रेवी सेमी ग्रेवी। देखिए यहाँ पे मैंने ककड़ी भी काट ली है और बाजरा का रोटला, घी वाला टन टना टन, और मेहनत करती हुई यहाँ पे मैडम। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लंच बन के रेडी है, तो फटाफट लंच कर लेते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो कहे वी आर के फैमिली।